दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे महंगे लकड़ी के बारे में और एक ऐसी मछली के बारे में जो अपना रंग गिरगिट की तरह बदलती है और जिसका जहर है बहुत ही खतरनाक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो आमतौर पर चंदन की लकड़ियों को ही महंगा माना जाता है, जिसकी कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति किलो तक होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी लकड़ी है जो चंदन की लकड़ी की कीमत से कई गुना ज़्यादा महंगी है। इस लकड़ी का नाम है अफ्रीकी ब्लैकवुड। इस लकड़ी की महज 1 किलोग्राम की कीमत $10,000 यानी कि करीब 7 लाख से भी ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे इतने रुपये में तो एक अच्छी खासी लग्जरी कार भी खरीद सकते हैं। अफ्रीकी ब्लैकवुड पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में बहुत कम है। इनकी ऊंचाई लगभग 25 से 40 फीट की होती है। अफ्रीकी ब्लैकवुड मध्य और दक्षिण अफ्रीका के 26 देशों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये सूखे स्थानों पर ही मिलते हैं। इस पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में लगभग 60 साल का समय लगता है। अफ्रीकी ब्लैकवुड की लकड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल सहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने के काम में होता है। इसके अलावा इस लकड़ी से मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर भी बनाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी महंगे होते हैं। इतने महंगे कि उन्हें खरीदना आम लोगों के बस की बात नहीं है। आम तौर पर हम और आप ऐसा मानते हैं कि गिरगिट ही रंग बदलने में माहिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में एक ऐसी मछली भी है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल सकती है। हालांकि ये मछली बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन हाल ही में ये भारतीय दरिया में पाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मछली की खोज भारत में पहली बार हुई है। सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसे मन्नार की खाड़ी में खोजा है। इस दुर्लभ मछली का नाम है स्कॉर्पियन फिश। सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर आर जया भास्करन ने बताया कि जब हमने पहली बार इसे देखा तो वो घास में छुपी थी। पता ही नहीं चल रहा था कि वो कोई मछली है या कोई पत्थर का छोटा टुकड़ा, लेकिन 4 सेकंड के बाद ही उसने जब अपने शरीर का रंग बदल कर काला कर लिया तब समझ में आया कि ये तो दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश है। स्कॉर्पियन फिश शिकार करते समय या शिकारियों से बचाव के समय ही अपना रंग बदलती है। रंग बदलने में माहिर ये मछली बेहद ही जहरीली है। इसके रीढ़ की हड्डी में जहर भरा हुआ होता है। इसे पकड़ने के लिए बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो ये पल भर में जहर उडेल देती है। इसमें न्यूरोटॉक्सिस नाम का जहर होता है जो अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो इससे हमको भयानक दर्द होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र की गहराइयों में रहने वाली स्कॉर्पियन फिश रात के अंदर शिकार करती है। वो एक जगह पर ठहर कर पहले शिकार के पास आने का इंतजार करती है और पास आते ही उस पर तेजी से हमला कर देती है और झपट कर उसे खा जाती है। इस दुर्लभ मछली को नेशनल मरीन बायोडायवर्सिटी म्यूजियम में भेजा गया है ताकि इसके बारे में रिसर्च की जा सके। इस मछली के बारे में साइंटिफिक रिपोर्ट करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित की गई है।